केंद्र सरकार मक्के के निर्यात पर लगा सकती है अंकुश। जी हां, भारत सरकार मकई के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर फिलहाल विचार कर रही है। मकई की कीमतें 2150 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर हैं और पोल्ट्री और स्टार्च निर्माण क्षेत्र से मांग बढ़ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर स्टार्च विनिर्माताओं द्वारा मामला उठाए जाने के बाद इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कृषि मंत्रालय की एक शाखा के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के दौरान मक्के का औसत भाव 2173 रुपये 66 पैसे प्रति क्विंटल रहा और ये भाव 1962 के एमएसपी कीमत से भी अधिक है। दरअसल स्टार्च निर्माताओं द्वारा उच्च कीमतों और अनुपलब्धता का मामला उठाए जाने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 2199 रुपये 28 पैसे प्रति क्विंटल से नवंबर के पहले सप्ताह में 2057 रुपये प्रति क्विंटल तक गिरने के बाद कीमतें ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तमिलनाडु एग पोल्ट्री फार्म्स मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है कि हम वर्तमान में नमकल में 2400 में मक्का प्राप्त कर रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन की कृषि बाजार सूचना प्रणाली ने गुरुवार को अपने मार्केट मॉनिटर में कहा कि 2022 के लिए मक्का का उत्पादन पिछले साल के 1212.3 मिलियन टन से घटकर 1163.6 मिलियन टन हो गया है और हम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से अपनी मक्का की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण फसल में नमी की समस्या भी बढ़ गई है। ऐसे में अध्यक्ष का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि खेतों में फसल जल्द ही काटी जाएगी, लेकिन हम उपलब्धता के साथ समस्याएं भी देख रहे हैं। मक्का की मांग बढ़ने के बावजूद शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में मक्का की कीमतें वर्तमान में मार्च में डिलीवरी के लिए 3 महीने के निचले स्तर $6.41 प्रति बूशल पर कारोबार करती दिखाई दी हैं। कीमतें पिछले सप्ताह में 3% और पिछले महीने में 5% तक नीचे आ चुकी हैं। बावजूद उसके यहां पर कीमतों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है, इसीलिए भारत सरकार मकई के निर्यात पर अंकुश लगाने पर फिलहाल विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।